हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल अपडेट वन पर। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे कुछ अमेजिंग ट्रेजर हंट मूवीज़ के बारे में जिसमें भरी भरी है एडवेंचर और एक्शन एक्टिविटी। तो चलिए जानते हैं कि आज के हमारे इस टॉप 10 काउंटडाउन में कौन कौन सी ऐसी इंटरेस्टिंग मूवीज़ हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा ये टॉप 10 काउंटडाउन। नंबर 10, सहारा। मूवी को रिलीज़ की गई थी 2005 में और मूवी बेस्ड है थ्रिलर एक्शन एंड एडवेंचर एक्टिविटी के ऊपर। मूवी की स्टोरी शुरू होती है डेरिक पीट से, जो कि तलाश कर रहे होते हैं एक बैटलशिप के बारे में जो कि खो चुकी होती है वेस्ट अफ्रीका में। मूवी में क्या लास्ट तक डेरिक उस बैटलशिप को खोज के निकाल पाते हैं या फिर नहीं निकाल पाते हैं, इसी को बेस करके ये कम्प्लीट मूवी बनी है। मूवी एडवेंचर एक्टिविटी से भरी पड़ी है और इस मूवी को IMDb रेटिंग देती है 10 में 6। नंबर 9, फुलिश गोल्ड। मूवी को रिलीज की गई थी 2008 में और मूवी बेस्ड है एक्शन रोमांस एंड एडवेंचर एक्टिविटी के ऊपर। मूवी की स्टोरी शुरू होती है फिन और टेसी से, जो कि कपल्स हैं और वो तलाश कर रहे होते हैं समुद्र में एक डूबे हुए जहाज को, जिस जहाज में बहुत सारे खोए हुए खजाने का अनुमान दिया जाता। मूवी में कैलाश तक वो दोनों कपल्स उस खोए हुए शिप को खोज के निकाल पाते हैं या फिर नहीं निकाल पाते हैं, इसी को बेस करके ये कम्प्लीट मूवी बनी है। मूवी को IMDb रेटिंग देती है 10 में 5.7। नंबर 8, इनटू द ब्लू। मूवी को रिलीज की गई थी 2005 में और मूवी बेस्ड है थ्रिलर एक्शन एंड एडवेंचर एक्टिविटी के ऊपर। मूवी की स्टोरी शुरू होती है सैम और जूरी से, जो कि समुद्र में एडवेंचर करने जाते हैं, लेकिन अचानक से ही उन्हें एक ड्रग्स के डूबे हुए जहाज के बारे में पता चलता है और उस ड्रग्स को बेच के वो बहुत सारा पैसा भी कमाना चाहते हैं। मूवी में कैलाश तक सैम और जॉर्ड उस ड्रग्स को समुद्र से निकाल पाते हैं और उसे बेच पाते हैं या फिर नहीं भी बेच पाते हैं, इसी को बेस करके ये कम्प्लीट मूवी बनी है। मूवी को IMDb रेटिंग देती है 10 में 5.8। नंबर 7, ब्लैक सी। मूवी को रिलीज की गई थी 2014 में और मूवी बेस्ड है डिजास्टर थ्रिलर एंड एडवेंचर एक्टिविटी के ऊपर। मूवी की स्टोरी शुरू होती है रॉबिन्सन से, जो एक नेवल ऑफिसर रहते हैं और वो एक जहाज की तलाश में रहते हैं जो कि रशिया से इंग्लैंड आते हुए डूब जाती है और उस जहाज का नाम रहता है नाजेउट बोर्ड, और उस जहाज में उनका मानना है कि बहुत सारे गोल्ड छिपे हुए हैं। मूवी में कैलाश तक वो ब्लैक सी में जाकर उस गोल्ड को निकाल पाते हैं या फिर नहीं निकाल पाते हैं, इसी को बेस करके ये कम्प्लीट मूवी बनी है। मूवी को IMDb रेटिंग देती है 10 में 6.4। नंबर 6, आर्मर ऑफ गॉड। मूवी को रिलीज की गई थी 1986 में और मूवी बेस्ड है एक्शन एंड एडवेंचर एक्टिविटी के ऊपर। मूवी की स्टोरी शुरू होती है एक एक्स सिंगर से, जो कि ट्रेजर हंट में निकल जाती है और उसी की खोज के लिए जैकी चैन निकलते हैं। मूवी में क्या लास्ट तक वो दोनों ट्रेजर हंट को कंप्लीट कर पाते हैं या फिर नहीं कर पाते हैं, इसी को बेस करके ये कंप्लीट मूवी बनी है। मूवी एक्शन और कॉमेडी एक्टिविटी से भरी पड़ी है और इस मूवी को IMDb रेटिंग देती है 10 में 7.1। नंबर 5, टूम राइडर। मूवी को रिलीज की गई थी 2018 में और मूवी बेस्ड है एक्शन एडवेंचर एंड थ्रिलर एक्टिविटी के ऊपर। मूवी की स्टोरी शुरू होती है लारा क्राफ्ट से, जो कि फिर से निकल पड़ती है एक नए एडवेंचर के लिए और इसी एडवेंचर के बीच वो अपने खोए हुए पिताजी के बारे में भी पता लगाना चाहती है। मूवी में कैलाश तक वो अपने पिताजी के बारे में पता लगा पाती है या फिर नहीं लगा पाती है, इसी को बेस करके ये कंप्लीट मूवी बनी है। और दूसरी तरफ वो जिस ट्रेजर हंट के लिए निकलती है उस ट्रेजर हंट को भी वो खोज के निकाल पाती है या फिर नहीं निकाल पाती है। मूवी को IMDb रेटिंग देती है 10 में 6.3 और इसके पहले भी बहुत सारे पार्ट ऑलरेडी रिलीज हो चुके हैं। नंबर 4, नेशनल ट्रेजर। मूवी को रिलीज की गई थी 2004 में और मूवी बेस्ड है थ्रिलर एक्शन एंड एडवेंचर एक्टिविटी के ऊपर। मूवी की स्टोरी शुरू होती है फ्रैंकलिन गेट से, जिन्हें एक वॉर चेस्ट के बारे में पता चलता है और उस वॉर चेस्ट को वो FBI के हाथों से बचाकर वो खुद उस वॉर चेस्ट को खोज के निकालना चाहते हैं। मूवी में कैलाश तक उस सिटी को वो खोज के निकाल पाते हैं या फिर नहीं निकाल पाते हैं, इसी को बेस करके ये कंप्लीट मूवी बनी है। मूवी को IMDb रेटिंग देती है 10 में 6.8। नंबर 3, द काउंट ऑफ मोंटी क्रिस्टो। मूवी को रिलीज की गई थी 2002 में और मूवी बेस्ड है एडवेंचर एंड एक्शन एक्टिविटी के ऊपर। मूवी की स्टोरी शुरू होती है एडमोंड डेनिस से, जिन्हें जेल में बंदी बनाकर रख दिया जाता है और जेल में ही उन्हें एक आदमी मिलते हैं जो कि उन्हें इन्फॉर्मेशन देते हैं एक हिडन ट्रेजर के बारे में। फिर वो निकल पड़ते हैं उस ट्रेजर को खोजने के लिए। मूवी में क्या लास्ट तक वो ट्रेजर हंट को कंप्लीट कर पाते हैं या फिर नहीं कर पाते हैं, इसी को बेस करके ये कंप्लीट मूवी बनी है। मूवी को IMDb रेटिंग देती है 10 में 7.7। नंबर 2, इंडियाना जोन। यू तो मूवी के बहुत सारे पार्ट रिलीज हो चुके हैं और इसकी फर्स्ट पार्ट रिलीज की गई थी 1989 में। मूवी बेस्ड है फैंटेसी एंड एक्शन एक्टिविटी के ऊपर और मूवी में आप देख पाएंगे इंडियाना जोन हर बार एक नए एडवेंचर में निकलते हैं और हर बार कुछ नया खोज निकालते हैं या फिर कह सकते हैं कि एक आर्कियोलॉजिस्ट किस तरह अपने ट्रेजर हंट को कामयाब करते हैं, इसी को बेस करके ये कंप्लीट मूवी बनी है। मूवी एडवेंचर एक्टिविटी से भरी पड़ी है और इसके बहुत सारे पार्ट ऑलरेडी रिलीज हो चुके हैं और इस मूवी को IMDb रेटिंग देती है 10 में 8.2। और लास्ट और नंबर 1 पर हम बात करेंगे पायरेट ऑफ द कैरिबियन। मूवी की अगर हम बात करें तो मूवी बेस्ड है
फैंटेसी एंड एक्शन एक्टिविटी के ऊपर और इस मूवी को रिलीज की गई थी 2003 में। मूवी की स्टोरी शुरू होती है कैप्टन जैक स्पैरो से, जो कि अलग अलग जगह पे जाके अलग अलग तरह के ट्रेजर को अंजाम देते हैं और हर एक मूवी में या फिर कह सकते हैं हर एक मूवी के पार्ट में वो किस तरह अपने ट्रेजर को सक्सेस करते हैं इसी बारे में ये कम्प्लीट मूवी बनी है। मूवी फैंटेसी और एडवेंचर एक्टिविटी से भरी पड़ी है और इसकी सभी के सभी पार्ट बहुत ज्यादा हिट भी हुई है और इस मूवी को IMDb रेटिंग देती है 10 में 8। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का काउंटडाउन पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक का बटन जरूर दबाएं और कमेंट हमसे जरूर शेयर करें। तो फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ। खुश रहिए, हेल्दी रहिए। गुड बाय।